एक शेर अकेला है और ये सारे बिल्लियां इकट्ठा होकर शेर बन रही है, कर लो। क्या कलामला खेल रही है? हैं? जैसे? हैं? कौन आएगा? यादव जी। कौन? अखिलेश यादव। वो हिंदू भाई ना है, वो हिंदू ना है, ना हिंदू ना मुसलमान, वो तो पता नहीं कौन से मजहब से आया हुआ है। श्याम प्रसाद मौर्य कोई आदमी भाई ना है भाई। अरे मौर्य हिंदू में आते हैं। अरे हिंदू भाई ना है यार, हिंदू होने से भाई ना हो जाता है भाई। हैं? नस्ल चेंज झूठ बोलते हैं, गप्पू है, गप्पा मारते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इधर उधर करते हैं, जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने शादी के बारे दूसरों के घर संभालेंगे, अपने देश को क्या संभालेंगे? देश संभाल के पले जाने चाहिए। वो पप्पू है, वो इटली में जाता है, इटली में मोहब्बत की बीन बजाता है, जा करके आगे नहीं बीन मोहब्बत की दुकान वही है, वो बड़ी दुकान है उसके पास और कुछ नहीं है। फिर से मिल रहा है आदमी, बाकी जो आज जो ना आज मोदी सरकार है ना, मजबूत कर दी लोगों को, बाकी लोग करने वाले नहीं होने, काम करना है ना। अपना सीट तो पहले संभाल ले, प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले वो तो पता करे। कह रहे हैं ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है, पहले चुनिए फिर बताएंगे कौन थोड़ी होता है। मतलब इंदिरा गांधी जब थी तब संविधान में प्रावधान था, है इंदिरा गांधी के टाइम में? आप केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, नीतीश पहले दिल्ली संभाल ले, केजरीवाल पहले दिल्ली संभाल ले। 2024 का बिल्कुल बच चुका है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने आप को जनता के बीच में ले जा रहे हैं और ये लुभाने की बात कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार होगी या मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे, जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? सत्य प्रकाश यादव। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बनेगा? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी यादव के बीजेपी। हाँ जी। कैसे भैया? मुलायम सिंह सरकार में जितना भी रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसने कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 4-5 जिले हैं उसके, उसने उसी को देखा है और इसलिए हम उसके साथ नहीं हैं। हम जब भी रहे हैं बीजेपी के साथ रहे हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे बीजेपी जीते या हारे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने जो विकास किया उत्तर प्रदेश में, बाबा वही दोहरा रहे हैं उसी पे काम। अरे यार अभी तक गाँव में खड़ंजे तक नहीं हुए, तुम के उसकी बात कर रहे हो भाई साहब? गाँव में खड़ंजे तक नहीं हुए अभी तक। हाँ, और आप समाजवादी की बात कर रहे हो, बसपा की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? बीजेपी की बात करो ना भाई। अरे लड़कियों को उन्होंने साइकिल दे, लैपटॉप दिया, क्या नहीं काम किया? अरे यार लड़कियों को क्या दे दिया, अपने नाम के लिए दुनिया देती है। बस वोट लुभाने के लिए जनता को दुनिया देती है भाई। लेकिन ये तो निःशुल्क बिल्कुल बिना किसी लपेट के बीजेपी को मोहर लगेगी भाई। बाबा तो ये कहते हैं सिर्फ ना नाम बदलने में है ना। नाम यार एक बात बताओ, जिन्होंने हमारा पूरी संस्कृति बदल दी लोगों ने, पहले आगे मुस्लिम शासक रहा, अंग्रेजी शासक रहा, उन्होंने नाम बदल दिए, हमारी क्या बोलते हैं सनातन धर्म को बदल दिया, हम उसको अपने रास्ते पा रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं भाई? बुरा तो भाई ना है, अच्छा है। वो तो सनातन की बात कर दी तो एक खबर निकल के आ गई सामने से, कहते हैं सनातन तो रोग है, इसको खत्म कर देना। हाँ भाई, उनके लिए जिसके मस्तक में कीड़े पड़ गए ना उसके लिए रोग है, और जो अपनी धार्मिक संस्कृति पर चल रहा ना उसके लिए सही है। उनके दिमाग में कीड़े पड़ गए बीजेपी के, उसके समाजवादी के भी और बसपा के भी और अब जितने छोटे मोटे दल है ना सबके। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं ना। अरे छोड़ो स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदू भाई ना है। वो हिंदू ना है, ना हिंदू ना मुसलमान, वो तो पता नहीं कौन से उससे मजहब से आया हुआ है। श्याम प्रसाद मौर्य कोई आदमी भाई ना है भाई। अरे मौर्य हिंदू में आते हैं। अरे हिंदू भाई ना है यार, हिंदू होने से भाई ना हो जाता है भाई। हैं? नस्ल चेंज ही होती क्या? नस्ल चेंज वाले सब हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हिंदू एक रोग है, धर्म नहीं है। कौन कहता है रोग स्वामी है? प्रसाद मौर्य वो तो कहेंगे कि वो इंसान है। हाँ। वो इंसान है स्वामी हाँ। प्रसाद मौर्य वो इंसान है क्या? इंसानियत तो सब में बड़ा है सनातन। हम सनातन से मतलब रखते हैं। सनातन से मतलब रखते हैं बिल्कुल। सनातन को लोग खत्म कर रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता है? ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि सनातन खत्म हो जाए? विश्व का सब में पुराना धर्म है सनातन धर्म, उसे कौन खत्म कर सकता है? कह रहे हैं खत्म करना जरूरी है। कौन कर सकता है? एक आदमी नाम लेके आए अपने सामने, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या पहचान है? उनकी खुद की क्या पहचान है ये बताइए? उनकी खुद की नहीं, कोई पहचान नहीं, ओनली चमचे। अखिलेश यादव इस बार ना यूपी में बाबा को जो है ना हिसाब बता दे। वो तो सामने आ जाएगा, बहुत जल्द सामने आ जाएगा। कहते हैं ना नाई अगर बाल काटता है तो सामने ही गिरते हैं। है? कितने बाल हैं? सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आएंगे। क्या लगता है एनडीए या इंडिया? ओनली भारत। हा? भारत हाँ एनडीए। आप बोलो एनडीए। एनडीए मोदी जिंदाबाद।
मोदी जिंदाबाद, विपक्ष कह रहा है कोई जिंदाबाद नहीं, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद है रहेगा, मोदी कैसे ऐसे कैसे हो गया, मोदी जिंदाबाद, हाँ हम भक्त है, मोदी जिंदाबाद, ये तो एकदम सिर्फ एक ही शब्द कह रहे हैं जिंदाबाद, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं। अरे बातें क्या, कमी क्या है ये बताइए, हाँ 65 साल पहले क्या था, क्या है, जब से आए हैं लड़ाने का काम कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, नहीं कोई, मैं कह रहा हूँ अगर मुस्लिम भाई है उससे पूछ लीजिए कहाँ लड़ा रहे हैं, कहाँ लड़ा रहे हैं, किस जगह लड़ा रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, इसी भारत में रह रहे हैं, आपने देखा कहीं लड़ाया जा रहा, आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आरोप लगा ही रहे हैं ना, वो तो उनका काम है आरोप लगाना, आज हम भी विपक्ष में होते तो कुछ ना कुछ बोलते, आपको नहीं लग रहा है विपक्ष के पास कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया, सब एक हो गए हैं, अरे एक सब हो जाए कभी एक क्यों होते हैं ये बताएंगे आप, हाँ कहते हैं संगठन में शक्ति है, किस वजह से एक होते हैं, रीजन क्या है एक होने का, अरे कह रहे हैं समाज के लिए हम एक हो रहे हैं, समाज पहले तो कह रहे थे साइकिल अलग है, हाथ वाले अलग है, हाथी वाले अलग है, आज तो हम कह रहे हैं हिंदू, हमारा कहने का मतलब 2014 के बाद में मुलायम सिंह रहता था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, तो गांव की जनता जो पैसे वाले लोग होते थे वो कहते थे प्रधानमंत्री यही है, तो गरीब जनता को भेम में डालना, उनको चमचे पैसे आते थे इकट्ठा करके अपना बांट देते थे और गरीब को इधर खाई में डाल देते थे। 2014 के बाद में मैंने बीजेपी से अलग किसी को वोट नहीं दूंगा, 350 प्लस है आपके, मोदी की सरकार आएगी दोबारा से गठबंधन एक तरफ चले जाएगा, क्या सब कह रहे हैं कि ये सरकार खत्म कर देंगे विपक्ष, आप कह रहे हैं कि मैं करो महंगाई दो कितनी हो जाए हम बीजेपी से अलग वोट नहीं देंगे, चौके आज की डेट में 12 बजे रात को कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी चकारी ये खोड़ा के अंदर रात को चोरी होती थी फोन चोरते थे, आज कोई चोर कहीं दिखाई दे रहा बाबा की सरकार में, ये बताओ चोरी सुरक्षित है, ये बताओ सिलेंडर कहते हैं 900 रुपये का सिलेंडर है, आज से पहले मेरी शादी 2009 में हुई थी, मैं ब्लैक में 900 रुपये का सिलेंडर लेकर आया था, क्या आज 2023 चल रही 900 रुपये सिलेंडर का महंगा, आदमी कंडे वाला हो भूखा नहीं मरेगा, मैं नौकरी करता हूँ गाड़ी भी चलाता हूँ, कौन भूखा मर रहा है, जो चोर है वो भूखे मर रहे हैं, उनको मिलना रही खाने के लिए, कह रहे हैं महंगाई चरम पे, आप कह रहे हैं महंगाई कितनी भी हो जाए बीजेपी, महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है, सिलेंडर 900 रुपये है, पहले भी था आज भी था, लोग लाल में लगते थे आज भी है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, ये भी ना सोच रहे हो जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई है, जिसके पास साइकिल नहीं था उसके पास चार चार गाड़ी हो गई, महंगाई कहाँ बढ़ गई, जिसके घर में एक नौकरी नहीं है, नौकरी कैसे नहीं है, करने वाला होना चाहिए, पाके पढ़ा फ्री का राशन मिला फिर बिजली पा रहे हो तो नौकरी काहे करोगे, के जिस दिल्ली सरकार ने फ्री में दे रही सबको नौकरी काहे करेगा, वो जो वादा किया था सब वादा पूरा कर रहे, कौन सा वादा किया था, क्या क्या किसी को तुम्हें घर बसा देंगे, सरकार अच्छी है योगी सरकार सबसे बढ़िया, मोदी सरकार सबसे अच्छी कर रही काम जनता के लिए, बस जनता को पेट कोई नहीं भर सकता है, बनर्जी कह रही इस बार आने नहीं देंगे, अरे ममता बनर्जी पहले तो पहले अपने बंगाल संभाले दंगा फसाद कराती रहती है, मैं बता रहे हो ममता बनर्जी की बात कर रहे हो, मोदी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, रहेंगे हमेशा, जय श्री राम का नारा है ये, और हमारा देश हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, मोदी भी जिंदाबाद रहेंगे, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, और राहुल गांधी, राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू पप्पू है, दाढ़ी बना के पप्पू है, अरे लोग कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी, अरे छोड़ो राहुल गांधी आएगा, झूठ बोलते हैं, गप्पू है, गप्पा मारते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, इधर उधर करते हैं, जब अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं अपने शादी के बारे दूसरों के घर संभालेंगे, अपने देश को क्या संभालेंगे, देश संभाल के पले जाने चाहिए, वो पप्पू है, वो इटली में जाता है, इटली में मोहब्बत की बीन बजाते हैं, नहीं बीन मोहब्बत की दुकान वही है, वो दुकान है उसके पास और कुछ नहीं है, गरीब से मिल रहा है, बाकी जो आज जो ना आज मोदी सरकार है ना मजबूत कर दिए लोगों को, बाकी लोग करने वाले नहीं होने, काम करना है ना, काम बहुत है, काम करने वाले काम बहुत है, काम ना करने वाले काम तो नहीं है, बस योगी सरकार सबसे अच्छा करे, दिक्कत वाले फिल्म बांट करके लोगों को राशन दिन खा के सो रहे हैं, अच्छा रुकिए आपको आपके पास नौकरी है, हाँ नौकरी डेली करते हैं, काम तो करिए अपना बिजनेस, विपक्ष कह रहा है कि यार सब बेरोजगार, अरे बेपरवाह को कहने दो, विपक्ष कह रहा है कौन बेरोजगार है, विपक्ष कह रहा है लोग बेरोजगार है, अब नौकरी करने का तुम्हारा मन ही नहीं है, फ्री में कौन देगा, बहुत सही, फ्री में कौन देगा, ये देखो ना, ये कंपनी की वर्दी है, नौकरी है, सब कुछ है, क्या चाहिए है, फ्री में कौन दे रहा है, हाँ दे रहा है ना, कह रहा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, कौन कौन कह रहा है, पहले विपक्ष वाले प्रधानमंत्री का चेहरा तो ढूंढ ले, चोर मौसेरा भाई हो जा रहे हैं, एक आदमी एक शेर अकेला है और ये सारे बिल्लियां इकट्ठा होकर शेर बन रही हैं, कर लो, अरे आओ
गठबंधन है, अपना सीट तो पहले संभाल ले, अपना सीट तो पहले संभाल ले। प्रधानमंत्री कौन बनेगा पहले वो तो पता करे। कह रहे ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है, पहले चुनिए फिर बताएंगे। कौन थोड़ी होता है, मतलब इंदिरा गांधी जब थी तब संविधान में प्रावधान था, इंदिरा गांधी के टाइम में अब ऐसा है ही नहीं। अरे जनता को पता तो लगे कि कौन लड़ेगा, किससे लड़ेगा, कैसा है, कौन चेहरा है, बताओ चेहरा कौन है। केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, नीतीश। पहले दिल्ली संभाल ले, केजरीवाल पहले दिल्ली संभाल ले, नीतीश कुमार पहले बिहार संभाल ले। केजरीवाल का जवान फिल्म की तारीफ कर रहे थे, कैसा है वैसा है। अरे वही जगह पे जो है गदर टू आई है, उसका तारीफ बुराई कर लोगों को नहीं किया है। हाजत नहीं मानते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, इनको कौन देगा, कौन देगा इनको। सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो उनका सबूत चाहिए। तुम्हें कोई अच्छे काम में कोई कोई विपक्ष का कोई रोल है? बच्चे से पूछ लो एक बार, वो बता देंगे। भाई यहाँ भारत की प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है बता भाई, देश का प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है मोदी जी? आपको पता भाई? बता तो रहे लोग, तो यह बात तो लोग हमसे होने मुंह से। भैया 10 साल रहेंगे पहचानेंगे नहीं लोग। तब आप पूछो तो सही एक बार। बात रोजगार रोजगार की तो बहुत रोजगार है, करने वाले की कमी है। क्या खेल होता है भैया बता? ये तो उन्हीं से पूछो, मैंने बताना पड़ेगा। खेल क्या होगा? खेल क्या होगा? 2024 में खेल देखिए क्या कला मला खेल रही है। कौन आएगा? यादव जी। कौन? अखिलेश यादव। कहाँ से आए भैया? हम इटावा से हैं। इटावा से हैं। गठबंधन वाले उनको मानेंगे क्या? अब जे चीज 2024 में देखो क्या होता है खेल। भैया अखिलेश यादव को बना ही रहे, पहले चेहरा तो बने। अखिलेश यादव पहले चेहरा घोषित हो गया प्रधानमंत्री का, पहले इनका चेहरा तो घोषित हो कि कौन है। अखिलेश है, राहुल है, राहुल करे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल करे कहते तो कह रहे थे 2024 में वहाँ सरकार आ रही है। बहुमत की कहाँ गई वो सरकार? आरएलडी बहु सब गठबंधन होगी, छोटे छोटे दल गठबंधन हो गए हैं, उनकी सरकार न आई 2022 में है। अब वो मोदी जी बोल रहे हैं मैं एक साथ चुनाव करूंगा 2024 में, तो विपक्ष कह रहा अखिलेश कह रहा एक साथ नहीं होगा, चाहो ना खाने को मिलेगा नहीं। एक साथ अगर चुनाव हो गया तो खाने को नहीं मिलेगा। ये प्राविधान चेंज करने में बड़ा विश्वास है। तो करेंगे, जो अंग्रेजों का जो प्रधान है उसको चेंज करेंगे भाई। हम अपना संविधान लाएंगे, अंग्रेज वाला काम बंद करेंगे। आज संसद भवन बन गया तो कौन सा गलत हो गया? ये बताओ 70 साल से बहनचो पुराना संसद भवन है, उसमें भाई अगर उसको चेंज कर दिया तो क्या गलत कर दिया है? रोजगार पे ध्यान दीजिए यार। रोजगार ये देखो वर्दी पहन के है ना हम, कौन कह रहा है रोजगार नहीं? अभी नौकरी छोड़ेंगे दूसरी नौकरी मिल जाएगा। 2014 से पहले करने वाले की कमी, भारत को कोई पहचान था? भारत को कोई पहचान नहीं था कौन प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी फैसला करवाते हैं। अरे कह रहे क्या 2000 पहले देश में प्रधानमंत्री नहीं? यार प्रधानमंत्री तो 84 में भी था, क्यों इमरजेंसी लगवा दिया था? इमरजेंसी क्यों लग गया था? प्रधानमंत्री तो पहले भी थे भाई, इमरजेंसी क्यों? ऐसा प्रधानमंत्री था अर्थशास्त्री, नगर में आतंकवादी घुसे और खटाया हो गया। एक जवान हमने ये भी देखा जो हमारे जवान का गर्दन काट के लेके चले जाते थे हैं। और तुम कहते हो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाओ हमें, बालाकोट का स्ट्राइक दिखाओ, सबूत दिखाओ। राम मंदिर नहीं बना भैया? जो 20 देश के लोग आए थे वो खाना खा के जाने के बाद आरोप लगा रहे हैं देश। वो आपको लगता है ना कि भाई आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल की बात है, ये छोटे मोटे लेवल में समझ में नहीं आएगा, वो आपको लगता है। चलिए आप चाचा आखिरी में मैं बस जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? एक ही सरकार है, मोदी सरकार। किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। किसकी सरकार? मोदी सरकार। किसकी सरकार? मोदी की सरकार है। 350 सीट आएंगी मोदी की, और मोदी जी की सरकार है, कोई नहीं हराने वाला। ठीक है, योगी और मोदी, जय मोदी। कुल मिलाकर के अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं और देश में किसकी सरकार होगी ये तो आने वाले वक्त बताएगा। कैमरामैन सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज, उत्तर प्रदेश।